बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क हियर एंड आई एम वकास नसीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क ने एक जो सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम आपसे प्रॉपर्टी की अपडेट्स शेयर करते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टी की सेलिंग या परचेजिंग में डिसीजन लेने में आसानी हो। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बहरिया टाउन लाहौर प्रोजेक्ट में, अगर 5 मरला डबल स्टोरी हाउस की आपने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आप अपने बजट को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं कि किस ब्लॉक में आपको अपने घर की जो है कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। व्यूअर्स, 5 मरला प्लॉट साइज़ एक इस तरह की कैटेगरी है जिसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। और बात हो जब घर बनाने की, तो आप लाहौर की जब डिफरेंट सोसाइटीज़ को विज़िट करते हैं उनमें बहरिया टाउन लाहौर प्रोजेक्ट आपको एक टॉप की सोसाइटी जो है नज़र आती है, और जहाँ पर लिविंग का एक स्टैंडर्ड है, जहाँ पर डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। दैट्स वाई अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप बहरिया में कंस्ट्रक्शन करने को सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी पर रखते हैं। और इसी हवाले से हम आज के इस वीडियो में 5 मरला की बात करेंगे कि वो कौन से 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जहां पर आपको इकोनॉमिकल भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वहां पर सराउंडिंग्स में कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके हवाले से आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे। और फिर हम इन्हीं 3 ब्लॉक्स का आपस में कंपेरिज़न भी करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपके बजट के मुताबिक आप किस ब्लॉक में प्रेफरेबली अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो 5 मरला प्लॉट्स बहरिया टाउन लाहौर प्रोजेक्ट के डिफरेंट ब्लॉक्स में आते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक तो सेक्टर डी के ब्लॉक्स की, जिसमें डबल ए डबल बी डबल सी ब्लॉक्स में 5 मरला प्लॉट्स की कैटेगरी है। दूसरा हम बात करेंगे सेक्टर ई के जिना ब्लॉक में, और लास्ट में बात करेंगे सेक्टर एफ के गजवी एक्सटेंशन ब्लॉक के 5 मरला प्लॉट्स में। और कम्प्लीट इसकी जो है हम आपको डिटेल्स देंगे प्राइस के हवाले से भी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस ब्लॉक में भी एडजस्ट होना चाहें, जिसमें भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, घर बना के सेल आउट करना चाहें या फिर अपना ऑन रेजिडेंस रखना चाहें, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें एडजस्ट हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स सेक्टर डी से। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डबल ए डबल बी और डबल सी ब्लॉक्स हैं जहाँ पर 5 मरला प्लॉट्स की कैटेगरी है, आप कह सकते हैं बहरिया की वन ऑफ दी बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेकर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहें या फिर उसे बनाकर रेंट आउट करना चाहें या फिर सेल आउट करना चाहें, बजट के हवाले से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए है कंपैरेटिवली अदर ब्लॉक्स, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसकी अप्रोच की बात करते हैं। जब आप केनाल रोड से आते हैं तो एक तो आपको लेफ्ट साइड पर बहरिया की मेन एंट्रेंस मिलती है जहाँ से आप बहरिया में एंटर हो सकते हैं। अगर इसी रोड पर आप आगे जाते हैं तो सेक्टर डी के डबल ए ब्लॉक से भी आपको केनाल रोड की जो है एंट्रेंस मिलती है सेक्टर डी में आने के लिए, और यही डेफिनेटली उसका एग्ज़िट भी होता है। तो एक तो इसकी अप्रोच बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की कीमत जो है 60 लाख से स्टार्ट होकर अप टू 75 लाख तक सिर्फ 5 मरला प्लॉट की प्राइस जो है यहाँ पर जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये मैक्सिमम पॉपुलेटेड होने के साथ साथ यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं पूरे बहरिया में, इस वक्त एक ही मैकडोनल्ड्स है और वो यहीं पर सेक्टर डी के डबल सी ब्लॉक में है। प्लस ए के बिल्कुल मैकडोनल्ड्स की बैक साइड पे जो है आपको रेनबो स्टोर मिलता है, जहाँ पर आप ग्रॉसरी के लिए जा सकते हैं। रेनबो से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो बड़ी खूबसूरत डबल सी ब्लॉक की जो है एक मॉस्क है, सर्वर मॉस्क के नाम से। इसके अलावा सेक्टर डी में ही आपको मिलता है क्रिकेट अकेडमी, पूरे बहरिया में एक ही क्रिकेट अकेडमी है, बहुत खूबसूरत बहुत शानदार जो है ये क्रिकेट अकेडमी है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, वो भी आपको इसी सेक्टर डी में मिलता है। प्लस ये कि मैक्सिमम पॉपुलेटेड होने की वजह से यहाँ पर मेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर प्लॉट लेके अगर आप सोचते हैं कि होल्ड कर लें और बाद में सेल करेंगे रेट अप हो जाने के हवाले से, तो वो आपके लिए आइडियल सिनेरियो नहीं होगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, सेल आउट करना है या घर बना के रेंट आउट करना है, तो उस हवाले से ब्लॉक जो है आप अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। और व्यूअर्स, सेक्टर डी के हवाले से अगर हम 5 मरला डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस की बात करें तो उसकी प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 1,12,15 लाख रुपए से लेकर 1,50,00,000 तक। और अगर यहीं पर आप कोई यूज्ड हाउस लेना चाहें तो कंपैरेटिवली उसकी प्राइस जो है कम प्राइस में भी आपको यहाँ पर 5 मरला यूज्ड हाउस जो है मिल जाता है। जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है कि हम 3 डिफरेंट ब्लॉक्स की जो है बात करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो पहले हम हर ब्लॉक की आपको जो है कम्प्लीट डिटेल देंगे, और लास्ट में वीडियो के हम आपको कुछ सजेशंस भी देंगे जो कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी यूज़फुल भी होंगे। व्यूअर्स, सेक्टर डी के बाद अब हम बात करेंगे सेक्टर ई के जिना ब्लॉक के हवाले से, जो कि आज के हमारे वीडियो में सेकंड ऑप्शन पर है।
लोकेशन के वाले से अगर हम बात करें तो तलवार चौक वाले मेन बुलीवर्ड पर जब आप सीधा जाते हैं तो आपके सामने क्लॉक टावर आता है और क्लॉक टावर से लेफ्ट लेते साथ ही इसकी लोकेशन आती है पहले रफ़ी ब्लॉक एंड देन जिना ब्लॉक। जिना ब्लॉक में वैसे तो 5 मरला 10 मरला और 1 किनार के प्लॉट्स की कटिंग है, लेकिन हम क्योंकि आज 5 मरला को डिस्कस कर रहे हैं दैट्स वाई हम आपको बताएंगे कि 5 मरला प्लॉट की प्राइस ब्रैकेट जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होकर 46-47 लाख से लेकर अप टू 60 लाख तक यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की प्राइस ब्रैकेट जो है जाती है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है मस्जिद बनी हुई है, जिना ब्लॉक में एक बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है और ग्रॉसरी के लिए या शॉपिंग के लिए यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट जो स्टोर पड़ता है आपको बिल्कुल मेन बुलीवर्ड पर आप जब निकलते हैं जिना ब्लॉक से तो यहाँ पर अल्फतेह जो है सुपर स्टोर आपके यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हैं, आप अपनी बेसिक जो है ग्रॉसरी के लिए आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। प्राइस के वाले से हम बात करें तो क्योंकि सेक्टर डी के बाद ये सेक्टर ई बना है तो इसी वजह से कम पॉपुलेटेड है कंपैरेटिवली सेक्टर डी, और यहाँ पर प्राइस भी जो है सेक्टर डी से आपको कम मिलती है। आप आइडियल जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर अपना बना के जो है सेल आउट कर सकते हैं, या अपने खुद भी आपको लिविंग के लिए चाहिए हो यहाँ पर 5 मरला प्लॉट की तो उस पर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंपैरेटिवली आपको सेक्टर डी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको जो है ओवरऑल अगर आप करते हैं 5 मरला डबल स्टोरी हाउस बनाते हैं तो आपको कम पड़ता है यहाँ पर। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के हमारे थर्ड ऑप्शन की, गजनी एक्सटेंशन, जो कि सबसे चीपेस्ट रेट्स या सबसे इकोनॉमिकल आपके बजट में 5 मरला प्लॉट आपको जहाँ पर मिलता है होम कंस्ट्रक्शन के लिए वो है गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक सेक्टर एफ का। थोड़ी सी इसकी सराउंडिंग्स की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात कर लें तो इसके पास में जो है बहरी टाउन का एक फंक्शनल स्कूल जो है वो आपको मिलता है जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके अलावा सिनी गोल्ड प्लेक्स सिनेमा इसी सेक्टर एफ में आता है, इसके नहायत करीब है। और तीसरी चीज़ आ जाती है अबूज़र गफ़ारी मॉस्क जो कि गजनी एक्सटेंशन के बिल्कुल साथ में गजनी ब्लॉक है, वहाँ पर फंक्शनल मॉस्क है और बेहतरीन मॉस्क है। प्लस ये कि इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लें तो यहाँ पर 5 मरला प्लॉट आपको प्राइस रेंज जो है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 30-31 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड्स 38-40 लाख तक आपको यहाँ पर 5 मरला प्लॉट मिलता है गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक में। अप्रोच के हवाले से बात करें तो एक तो ये कि बैरिया के सेक्टर एफ वाला जो है मेन बुलीवर्ड वहाँ पर इसकी लोकेशन आती है, दूसरी लोकेशन इसकी आप अपनी यूज़ कर सकते हैं सुई गैस फेस टू रोड को यूज़ करते हुए। अगर आप सीधा बाहर जाते हैं तो आप लेफ्ट साइड पर होके अगेन अड्डा प्लॉट या फिर डायमंड रोड के अप्रोच को भी जो है यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये कि गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक में मज़ीद भी कुछ ओपन लैंड्स हैं जो कि फ्यूचर में उम्मीद की जा सकती है कि बहरिया उस लैंड को भी एक्वायर करके वहाँ पर भी मज़ीद जो है कटिंग दे सकता है, जिससे कि गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक जो है मज़ीद बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 मरला और 10 मरला और 1 किनार के प्लॉट्स हैं, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली 5 मरला प्लॉट की बात करें तो उसमें मैंने आपको प्राइस का भी बताया कि यहाँ पर जो प्राइस रेंज चल रही है। इसके साथ साथ ये कि यहाँ पर भी घरों की कंस्ट्रक्शन का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है। गजनी एक्सटेंशन ब्लॉक को अगर हम अपने फर्स्ट टू ऑप्शन से जो है कंपेयर करें, जिस तरह से मैंने आपको सेक्टर डी का बताया था डबल ए डबल बी ओ डबल सी ब्लॉक, या फिर सेक्टर ई के जिना ब्लॉक के हवाले से, तो मैंने आपको बताया कि कंपेरेटिवली रेट्स इसके जो हैं कम हैं। प्लस ये कि गजनी एक्सटेंशन के बिल्कुल स्टार्ट में ही एक बड़ा खूबसूरत पार्क है जो कि ऑन ग्राउंड है, फ्यूचर में वो डेवलप भी हो जाएगा। और छोटा ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर बड़ी स्पीड से जो है घरों की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इकोनॉमिकल होने की वजह से चीप रेट्स होने की वजह से यहाँ पर एंड यूजर्स प्लॉट की जो है परचेजिंग कर रहे हैं। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लॉट लेकर होल्ड करना चाहें 1 साल या 2 साल तक के लिए, तो आने वाले टाइम में वो भी आपके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। व्यूअर्स फाइनली सजेशंस की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन था सेक्टर डी, उसकी हम बात करेंगे कि अगर आपको बजट का इशू नहीं है और आप तमाम तरह फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं, अप्रोच के हवाले से आप चाहते हैं कि आइडियल जगह पर घर हो, तो सेक्टर डी शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू। और उसमें बजट आपका मिनिमम 60-75 लाख तक होना चाहिए ताकि आप जो है प्लॉट की परचेजिंग करके आगे इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। मैं बताता चलूँ कि 60-75 लाख की जो ब्रैकेट है सिर्फ आपकी प्लॉट की प्राइस है। और सेकंड हम बात करेंगे जिना ब्लॉक के हवाले से, अगर आपका बजट रीज़नेबल है यानी कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप बाउंड्री पे नहीं जाना चाहते या बहुत अच्छी चीज़ नहीं ले सकते तो आप बिल्कुल लास्ट में भी नहीं जाना चाहते, तो जिना ब्लॉक जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंपैरेटिवली 47-48 लाख से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 58-60 लाख तक 5 मरला प्लॉट मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी होम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ की भी फैसिलिटीज़ को अगर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अल्फतेह स्टोर करीब में पड़ता है, मस्जिद है, जिना ब्लॉक का अपना पार्क है, 10 मरला 1 किनार के घर भी यहाँ पर बने हुए हैं, मस्जिद है कि मेन बुलीवर्ड पर आते साथ ही अगर आप राइट साइड पर जाते हैं तो बैरिया की सबसे बड़ी जो है मस्जिद जामिया मॉस्क वहाँ भी आप जा सकते हैं, और अगर मेन पर निकल के आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो आईफिल टावर जो है एक अच्छी जगह है तफरी के लिए।
आप वहाँ पर भी जा सकते हैं आईफिल टावर पर। प्लस ये कि इसी सेक्टर ई में थीम पार्क भी है जो है फ्यूचर में फंक्शन होगा, फिलहाल हुआ नहीं, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट आप जिना ब्लॉक के सराउंडिंग्स में जो है कंसीडर कर सकते हैं। और लास्ट में ये कि गजनवी एक्सटेंशन, अगर आप बिल्कुल बैरिया के डेड एंड बाउंड्री पर नहीं जाना चाहते जिस तरह से टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक आ जाता है, वहाँ पर भी आपको लाके 5 वाला प्लॉट मिलते हैं, लेकिन गजनवी एक्सटेंशन कंपेरेटिवली उसे काफ़ी पहले आता है, जहाँ पर सिनेमा है, स्कूल है, फंक्शनल मॉस्क है, सराउंडिंग्स में घरों की कंस्ट्रक्शन है, अप्रोच सुई गैस फेस टू वाली भी आप यूज़ करके रेवन रोड तक जा सकते हैं, या बैक साइड से आप मुल्तान रोड वाली अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं, केनाल रोड वाली अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं। तो गजनवी एक्सटेंशन आप अपने बजट में देखते हुए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 28-29 लाख रुपए से लेकर 38-40 लाख तक आपको यहाँ पर भी 5 मिला प्लॉट मिल जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अपने अपने बजट के मुताबिक आप इन तीनों ब्लॉक्स में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हीं तीनों ब्लॉक्स में व्यूअर्स, अगर आपको जो है कोई ब्रांड न्यू हाउस की तलाश हो, कुछ आप परचेजिंग करना चाहें, या प्लॉट लेकर होल्ड करना चाहें गजनवी एक्सटेंशन का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर उसे होल्डिंग करते हैं 1.5-2 साल की आपकी होल्डिंग पावर है, तो आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, या फिर जिना ब्लॉक में भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें, या फिर आप अपने इन तीनों में से किसी भी ब्लॉक में प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उसके लिए। और स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, इट्स +9 2321 117 2227। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, इट्स www.rupn.com। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।